नमस्कार, जय जगन्नाथ, जय पंचखा। जैसे कि उड़िया भाषा में लिखा गया है मालिकाएं, तो किताबों की मालाएं, ग्रंथों की मालाएं यानी मालिका, और भविष्य के ऊपर लिखी गई जो ग्रंथ हैं इसको कहते हैं भविष्य मालिका। तो भविष्य मालिका में कई बार जिक्र किया गया है लास्ट अवतार, कल की अवतार के बारे में। तो फिर कल की अवतार कब आएंगे, कैसे आएंगे, क्या क्या संकेत देखने को मिलेगा उनके शरीर में, कहाँ जन्म लेंगे, तो फिर ये सब बातें जो है मालिका में लिखा गया है। इसके अलावा उत्तर कल्कि के बारे में भी लिखा गया है मालिका में। तो फिर संत अच्युतानंद दास जी के द्वारा लिखी गई मालिका ग्रंथ क्या प्रमाण देता है उत्तर कल्कि के बारे में, उत्तर कल्कि कौन होंगे, कब आविर्भाव होंगे, कहाँ पर जन्म लेंगे, कहाँ पर आविर्भाव होंगे, कैसे आविर्भाव होंगे और लीलाएं क्या क्या उनके द्वारा रचा जाएगा, तो उसके ऊपर है आज का ही चर्चा। हमारे साथ जुड़े हैं कल्कि लीला पुस्तक के राइटर, लेखक और मालिका के रिसर्चर श्री पुलिन बिहारी पांडा जी। आपका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। जय जगन्नाथ। तो फिर हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं खास करके उत्तर कल्कि, उत्तर कल्कि के बारे में आपके द्वारा जो लिखी गई कल्कि लीला पुस्तक क्या प्रमाण देता है। उसको डिस्कशन करने से पहले मैं थोड़ा सूचना दूंगा, उसके बाद। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। नमस्ते, जय जगन्नाथ। आपका श्रद्धा और स्नेह के लिए मैं फिर एक बार बैठा हूँ हिंदी में कुछ बोलने के लिए, कोशिश कर रहा हूँ कुछ बोलने के लिए हिंदी में, इतना प्रोफिशिएंट मैं नहीं हूँ हिंदी बोलने के लिए। नहीं नहीं, फिर भी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर भी मेरा पूरा कोशिश जारी रहेगा ताकि आपको कुछ मालूम पड़ेगा मालिका के विषय में। मालिका ऐसे ही पुस्तक लिखे हैं, सब विभिन्न ग्रंथ में लिखे हैं, हजार करीब मालिका, भविष्य मालिका ग्रंथ लिखे हैं पंचसखा ने। उसमें वो लोग ने प्रभु के जन्म से लेके कलिश की ये कल्किला का अंत तक कहाँ आएंगे, कैसे रहेंगे, क्या क्या करेंगे, उसके साथ कौन होगा, ये एवरीथिंग इज हैव बीन गिवन, और सब कुछ डिटेल में दिया गया है इसमें। उसमें एक चीज आता है उत्तर कल्कि। उत्तर कल्कि नाम क्यों दिया? वो कल्किला के लिए सारा पृथ्वी में प्रभु का अंश अवतर आएंगे, क्योंकि सारा पृथ्वी में कल्किला होगा। अच्छा, सारा पृथ्वी में धनसुला होगा, सारा पृथ्वी में भक्तों का रक्षा होगा। हाँ, तो इसका मतलब है कि खाली उड़ीसा प्रदेश में नहीं होगा बल्कि समग्र विश्व में होगा। समग्र विश्व में जी। और अभी मैं एक बात के साथ कह सकता हूँ, हर देश में प्रभु का अंश अवतार अभी है। अच्छा, हर एक देश में प्रभु के अंश अवतार अभी है। जब युद्ध लग जाएगा वो देश में या कुछ प्रलय आएगा या कुछ आएगा, उस टाइम वो लोग भक्तों को रक्षा करेंगे। अच्छा, अंश अवतार जो है मेन है कल्किला का, वही मेन चैप्टर है वो। अच्छा, मुख्य जो है अंश जो है वही है। हाँ। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि जो अंश अवतार क्या बात कर रहे हैं, लगभग पूरे विश्व में कितने की संख्या में होंगे, उनका संख्या कितना होगा? अंश अवतार जो है पूरे विश्व में जो फैले हुए हैं, तो उनका संख्या लगभग कितना होगा? संख्या हजारों, हजारों की संख्या, हजारों में। अच्छा, नहीं जो जैसे कि आप पिछले जो उड़िया के हमारे जो एपिसोड में आपने बताए थे कि 1,00,000 जो है सिद्ध पुरुष, तो ये वही सिद्ध पुरुष जो है वो अंश अवतार है या ये अलग है? वही। अच्छा, वही है, वही है। तो प्रभु जी के साथ 1,00,000 जो है अंश अवतार यानी सिद्ध पुरुष जो है वो अवतार करेंगे। हाँ। अच्छा, सिद्ध पुरुष मतलब चार युग का भक्त, चार युगों का भक्त, भक्त जी बिल्कुल। और 64 सिद्ध पुरुष, 64 सिद्ध। हाँ। जिसका बाकी सिद्ध था। अच्छा, और 64 महंत पंचसखा का महंत, 64 ये सब मिलके 1,00,000 समथिंग आएंगे। अच्छा, तो टोटल विश्व में सिद्ध पुरुष का मतलब क्या हो? मतलब है कहाँ कृपाचार्य जो है दूसरा कहाँ देश में बैठा है, अष्टचिरंजीवी है। हाँ। वो भी आएंगे ना। अच्छा, वो जन्म लिया है बैठा है, चालू होने के बाद आ जाएंगे वो लोग। अच्छा, तो क्या है इसमें थोड़ा कंफ्यूज लोग होते हैं, देख क्या वहाँ का बोलता है कल के बता रहे हैं, यहाँ बोलता है कल के बता रहे, कौन है कल के बता,
उसी को समझाने के लिए मैं कल्टीला पुस्तक लिखा था। अभी इसलिए भारत में भी विभिन्न जगह में, काशी में है, राजस्थान में है, दिल्ली में है, सब जगह में अंश अवतार होंगे क्योंकि वहाँ का भक्तों को रक्षा करेंगे। लेकिन ये जो उत्तरकर की ये स्पेशल है, ये इसका स्पेशलिटी यही है कि ये भारत का स्वाधीनता लाएगा। भारत तो भी स्वाधीन है, फिर स्वाधीन है जब ये चाइना रशिया तेरा मुस्लिम कंट्री बाकी सब मिलके आ जाएंगे अंदर में तो लोग कैप्चर कर लेंगे। अच्छा, टर्की भी आएगा तो लोग कैप्चर कर लेंगे, बहुत सा जगह इंडिया का तो उसको हटाएगा ये। अच्छा अच्छा, उत्तर कर मतलब जैसे भारत जो है दोबारा हो जाएगा पराधीन महायुद्ध के उस समय की बात है, जो तीसरे विश्व युद्ध होगा तब की बात है। जी, तो उत्तर कर के बारे में भी कौन सा कारण लिखा है कि वो कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे, क्या करेंगे और वो राजा होंगे भारत का कितना साल राजा होंगे, कैसे बैठेंगे सिंहासन में, सब उसको डिटेल दिया है। तो मतलब एक एक बात में बस आपसे जानना चाहूंगा कि आप जो बोले उत्तरकल की, उनका नाम उत्तरकल की क्यों रखा है? उत्तरकल की इसलिए मैं रखा है उसको वो लोग भी रखा है उत्तरकल की इसलिए राजस्थान। ओके, उत्तर भारत की ओर से राजस्थान से आएंगे। जी जी, राजस्थान का आदमी है वो। अच्छा, वो जन्म लेंगे राजस्थान? राजस्थान का है। अच्छा, तो मतलब महापुरुषों ने जब मालिका के जो ग्रंथ रचना कर रहे थे, लिख रहे थे, तो उस समय भी राजस्थान था या उसका नाम और कुछ था? राजस्थान था, राजस्थान ही था। जी, राजस्थान था ना वो, अपना 500 साल पहले तो इतना चेंज हुआ नहीं प्रोविंस का नाम। सब जो था दूसरा नाम था, 1000 साल पहले अशोक का टाइम में दूसरा नाम था, महाभारत टाइम में और दूसरा नाम था, कभी उड़ीसा नाम कलिंग था, कभी उत्कल था, कभी उड़ीसा हो गया है। तो इसी तरह से सब प्रोविंस का नाम थोड़ा बहुत चेंज हुआ 500 साल पहले, बाद में कुछ चेंज हुआ नहीं। जी जी जी, तो सवाल नहीं उठता चेंज होने के लिए। तो उसमें उत्तरकल की जो है वो राजपूत है। अच्छा, वो जो आएंगे वो राजपूत है, खानदान से आएंगे, वो उत्तर से आएंगे केरला तक। अच्छा, उत्तर से आएंगे केरला तक, केरला तक फ्रॉम राजस्थान। उस टाइम में क्या होगा, ये नॉर्थ इंडिया ऑलमोस्ट इलंका दिए जवान के पास और चाइना के पास था होगा। अच्छा, कंक्वर्ड कंकर कर लिया होगा। ओके, दे विल बी आल्सो इनसाइड उड़ीसा एमपी और ये आंध्र प्रदेश दिल्ली वो जगह में वही होंगे। दिल्ली भी है? दिल्ली भी, हाँ दिल्ली तो पहले। अच्छा, पहले ये दिल्ली कैप्चर हो जाएगा। तो वो लोग क्या करे, कि वो क्या करेगा सब जितने जो उस टाइम क्या होगा, जो इंडियन सोल्जर्स बाकी थे वो जाके केरला में छिपे होंगे। अच्छा, ये जाएगा केरला, ये जो उत्तरकड़की जो है केरल आएंगे, केरल जाएंगे, केरल से वो लोग इकट्ठा करेंगे जिसके पास जो पचा कुचा है एमुनिशन, बंदूक के जो टैंक जो बच्चा कुचा है उसको इकट्ठा करेंगे। अच्छा, इकट्ठा करके ट्रेनिंग करेंगे, हो गए उधर का जो ये टेररिस्ट है मुस्लिम टेररिस्ट, उन लोग को पहले खत्म करेंगे, उन लोग से आपको आर्मी मिलेगा, उन लोगों को सब लेके उधर से अटैक स्टार्ट करेंगे। अच्छा, वो मतलब पहले वो केरला से स्टार्ट हो जाएगा, केरला से हो जाएगा स्टार्ट। केरला इज द फर्स्ट प्रोविंस ऑफ इंडिया जहाँ पहला मस्जिद बना था। अच्छा, भारत में, भारत में केरला इज द फर्स्ट प्रोविंस टू बी कन्वर्ट टू हिंदू। अच्छा, केरल वही पहला आइदर दे कन्वर्टेड टू हिंदू मुस्लिम और वाइप्ड आउट हो जाएंगे मुस्लिम्स। अच्छा, या तो कन्वर्ट होगा या फिर वाइप्ड हो जाएगा केरला में। केरला देखते हो, केरला मैंने क्या बोलेंगे आपको, सबसे फ्यूरियस स्टेट है केरला। जी, जितना एंटी हिंदू है वो लोग, तो वहाँ तो ये हार्ड कार्ड चलता रहेगा। अच्छा अच्छा, एक बार ये मुस्लिम कंट्रीज अटैक कर ले इंडिया को तो हार्ड कार्ड चलता रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो वहाँ से स्टार्ट होगा इंडिपेंडेंस। अच्छा, वहाँ पे मतलब आप जो बोल रहे हैं कि जो मूवमेंट है वहीं से स्टार्ट होगा। ओके, क्या उड़िया में क्या लिखा है पहले आप सुना दीजिए, मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ उसको, उसके बाद उसको
हाँ उसका जो है ट्रांसलेशन हम बता देंगे हिंदी में। बारिदी लहरी जैसने बिशी उत्तरु कड़की दक्षिणे आसी दाइन जवन बल को छेदी क्षेत्रे बुहाइब रक्त नदी बाईसी बाबछे रक्तर स्रोत बहन सैनिक कलायंत क्षेत्र बरे हाण होइब जाण सात सर्स जे संख्या प्रमाण नाश हेबे दुई धर्मी जवन सिया और सुनी दुई धर्मी जवन दोनों आएगा अटैक करने के लिए इंडिया को बोला तो ईरान भी आएगा टर्की भी आएगा सुख रहिबे सर्व सुरगण ये हुआ उसका अच्युत की दस पटल मालिका। अच्छा ये जो पंक्तियाँ हमने लिए हैं ये संत अच्युतानंद दास जी के लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है दस पटल मालिका। क्या है उसका नाम? दस पटल ना, दस पटल मालिका, दस पटल मालिका। उसका क्या अर्थ क्या रहा? इसका मीनिंग कुछ समझा देता हूँ। जी जी, ये लिखा है कि जैसे समुद्र में लहर आता है ऐसा वो दक्षिण से केरल से उत्तर को आएगा अपना सेना लेके। अच्छा, इतना संख्या में आएंगे, इतना संख्या में आएंगे। जी जी, सब उसको उत्साह ज्वाइन कर लेंगे उस टाइम में। जितना आगे आगे बढ़ेंगे सब जितना सैन्य हो गए छुप के रहेंगे वो आ जाके निकल जाएंगे उसके साथ। तो वो पूरा उधर से कैप्चर करते करते सब खत्म करते करते आ जाएगा। जब ये लीला खत्म होगा जो लोग भारतीय विरुद्ध में अब है चाहते हैं इसको इस्लाम कंट्री करने के लिए वो इधर खत्म हो जाएंगे या तो भाग जाएंगे। अच्छा अच्छा, या तो भाग जाएंगे या फिर उनका विनाश हो जाएगा। विनाश हो जाएगा जी। जो है बाकी जो चाहते हैं इंडिया में रहने के लिए, इंडिया को अपना देश मानते हैं वो लोग रहेंगे। एंड लास्ट में तो भगवान बोले हैं कि सब एक धर्म, सब धर्म एक ही धर्म हो जाएगा, सनातन धर्म। सम धर्म ना, कोई धर्म का हिंदू धर्म नाम रहेगा ना सिख ना हिंदू ना मुस्लिम ना ईसाई ना क्रिश्चियन ना कुछ नहीं रहेगा, बस एक ही धर्म बचेगा। एक ही धर्म नाम होगा उसका, नाम होगा सनातन धर्म। पहले तो सनातन धर्म में आ जाएंगे। जी जी।